तो फ्रेंड्स, अभी आपने ये वाली वीडियोस देख ली किस तरह से इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त की वीडियोस बनाई गई, अपना फोटो डालकर एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटस बना हुआ है। ऐसा स्टेटस फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो और अपने व्हाट्सएप पर रख सकते हो या फिर फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हो कि फ्रेंड्स आज 15 अगस्त हर कोई स्टेटस अपना रखता है। तो फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे अपने हाथों से ये वीडियोज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो चलिए वीडियोज़ बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है काइंड मास्टर। इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फ्रेम दिया हुआ है। तो आप जो है अपना अगर मोबाइल के स्टेटस रखना चाहते हैं फुल स्क्रीन में, आप जो है ये बीच वाले को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप मीडिया पर क्लिक कीजिए और अपना कोई भी फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैं इसमें दिखाया था कि जैसे इस लड़की का मैं फोटोज ले लेता हूँ। यहाँ पर लेने के बाद फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, इस फोटो की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं जितनी दूर तक आपको स्टेटस वीडियोस बनानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम इतना लेते हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स अगर आपका फोटो छोटा है, मेरा तो फुल था, देखिए फुल साइज़ में आ गया। अगर आपका छोटा है तो भी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। और मान लीजिए कि ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, आपको क्या कीजिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए फोटो पे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से अपने फोटो को बड़ा छोटा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अगर आपका छोटा रहेगा तो। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो बराबर का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कर देना और ओके कर देना। इससे आपका जूम इन जूम आउट भी नहीं होगा और आपकी जो फोटो छोटी रहेगी वो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें लेयर पे जाना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं एक फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इमेज है सिर्फ ब्लैक कलर का, ताकि नीचे जो है शेडो जैसा ब्लैक कलर बन जाए, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसकी लेंथ अपनी फ़ोटो के बराबर ले लेनी है और फिर फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ्रेंड ध्यान दीजिए, फ़ोटो पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है और देखिए ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है ताकि इस तरह से हो जाए। अगर चाहते हो फ्रेंड्स अगर आप कलर वगैरह एडजस्ट करना अपने फ़ोटो का, तो यहाँ पर देखिए एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो का कलर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए रहेगा वैसा कलर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। अभी हम आते हैं यहाँ पर, आने के बाद फ्रेंड लेयर पर क्लिक करते हैं, मीडिया पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक वीडियो ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड ये जो सब मैं ले रहा हूँ मटेरियल वीडियोज़ और ये सब, इस सबका लिंक जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं, फुल स्क्रीन पहले कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लाइंडिंग का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है। अभी हमें क्या करना है, एक और इसके अंदर वीडियोज़ लेनी है, तो हमें क्या करना है, वापस लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है ये वाला, तो हम इसको भी जो साइज़ है पहले बड़ी कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे ब्लाइंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आएंगे हम स्क्रीन पे, ये देखिए ये भी स्क्रीन हो गई। तो अभी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बन चुका है। इसके अंदर फ्रेंड जो है आपका सॉन्ग्स भी है, अगर आपको सॉन्ग रिमूव करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से म्यूट कर देना है। उसके बाद आप अपना अलग सॉन्ग भी डाल सकते हो, तो मैं रहने देता हूँ। अलग सॉन्ग डालने के लिए आप देखिए यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको फ़ोन में जितनी भी ऑडियोज़ रहेंगी सॉन्ग्स वगैरह दिखाई देंगे, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया है यहाँ पे सॉन्ग, तो सॉन्ग मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे सॉन्ग नहीं चाहिए, ऑलरेडी पहले से इसके अंदर सॉन्ग है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अंदर हमें एक लिखना है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या फिर आपको कुछ लॉगो वगैरह लगाना तो वो भी आप लगा सकते हो। कैसे लगाना है, देखिए लेयर पर क्लिक करेंगे हम, मीडिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स कुछ डाउनलोड करके रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आप PNG फॉर्मेट में 15 अगस्त का। यहाँ पर देखिए हम साइड में यहाँ पर एक लगा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसके भी जो कलर वगैरह है एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर एडजस्ट करना चाहेंगे, देखिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए और फोटो को क्या करिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो तक ले लीजिए यहाँ तक। अभी फ्रेंड्स हम एक और फोटो ऐड करते हैं, तो लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे और यहाँ से हमने डाउनलोड करके रखा था तो यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं। इसकी साइज़ को भी फ्रेंड्स आप बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है वैसा आप कर लीजिए। यहाँ पे हमने कर दिया फ्रेंड्स और इसे भी हम बड़ा ले लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं लेयर को। तो फ्रेंड्स चलिए हम प्ले करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको एक फोटो ऐड करना तो आप एक ऐड कीजिए, दो ऐड करना दो भी ऐड कर सकते हैं, स्टेटस आप बना सकते हो, दो तीन फोटो यहाँ पर आपको सिर्फ ज्वाइन करते जाना है। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यहाँ कोई और भी फोटोज ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर अपना एक और फोटो ऐड कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। जैसे ये फोटोज फिनिश होगा, मतलब कि फोटो ये खत्म हुआ, तो दूसरा फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके अंदर मल्टीपल फोटो भी ऐड कर सकते हैं जैसा आपको पसंद आए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमारा ये बन चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना, तो ये जो वीडियोस थी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स आप इसे व्हाट्सअप पर, ट्विटर पर या फिर कहीं पर भी, फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो और अच्छे खासे लाइक वगैरह पा सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि आपने खुद का स्टेटस बना के रखा है अपने फ़ोटो का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।